नमस्कार, आपके साथ मैं उनिशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। जैसा कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं, इस वक्त हम आए हुए भराव पर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। और हम आपको बहुत बार, एक दो बार भी इससे पहले आपने देखा होगा हमारे वीडियो, तो हम यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं कि आखिर कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कार्य कितना प्रगति पर है, कितनी तीव्र गति से हो रहा है, कितना धीमा गति से हो रहा है। हम सब एक एक आपको अपडेट देते रहते हैं, आपको आप तक पहुँचाते रहते हैं इनका अपडेट। तो जैसे कि आज हम यहाँ पे आए थे तो आपको पता, छठ है, फेस्टिवल का टाइम है, तो आज यहाँ पे काम बंद हो रखा है। यहाँ कल भी हम आए थे और यहाँ पे ना यहाँ के ठेकेदार मिले, ना मुंशी मिले, यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं होते हैं जो हमें बता पाए कि आखिर यहाँ का काम आखिर कितना और बाकी है, कितना हो चुका है, कितने दिन में कम्प्लीट होगा और क्या कुछ होना बाकी है और क्या कुछ हो चुका है। ये सब हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं रहते, ना कल मिले ना आज मिले। बहरहाल हम यहाँ पे जो जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे, स्थानीय दुकानदार हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये काम जो बंद है या फिर कितना स्लो चल रहा है, इस काम की वजह से उनको क्या कोई समस्याएं आ रही है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील हुआ। अच्छा सुनील जी, क्या बोलना चाहेंगे आप इस काम ये को लेकर? काम के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं कि इसका काम जो है जो बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा। जिस हिसाब से इसका काम होना चाहिए उस हिसाब से इसका काम नहीं हो पा रहा है। इसके पास आदमी का भी कमी है। अच्छा, आदमी भी जिस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए आदमी भी नहीं है। आदमी भी उस मात्रा से नहीं है इसके पास। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को क्या कुछ समस्याएं आ रही है यहाँ पे? हम लोग का समस्या यही है कि सभी दुकानदार को एकदम मैंने बिजनेस चौपट कर दी है इसे। मैंने काम इसका स्लो के कारण, अगर काम ही तेजी से अगर काम करे तो आदमी कम से कम बिजनेस में भी रफ्तार आ जाए, लेकिन इसका काम तो है स्लो, तो थोड़ा स्लो होने का कारण, जैसे देखिए ये गड्ढा, इसमें सीमेंट डाला जाना चाहिए था जी जी। तो जैसे सीमेंट डालने से क्या होता सर कि देखिए कम से कम आदमी को आवागमन बढ़ता, रोड बंद हो जाता है, चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, इसका तो काम है तो बंद होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब देखिए गाड़ी चल रहा है, सिंगल रोड है, तो दिक्कत गाड़ी वाला को भी हो रहा है, बिजनेस वाला को भी हो रहा है, ये लोग का बिजनेस भी ठप पड़ा। आपकी भी छोटा दुकान है, आपका भी छोटा ही दुकान है और आपको भी कितना समस्या हो रहा है इसके वजह से? समस्या तो बहुत है हम लोग का तो मैंने मान के यही चलिए कि मैंने तीन गुना मैंने एकदम सेल कम गया हम लोग का, एक गुना मैंने चल रहा है। अच्छा, कितने साल से आप अपना दुकान यहीं पे लगा रहे हैं? 8 साल से लगा रहे हैं। एग्जैक्ट यहीं पे आप 8 साल से दुकान लगा रहे हैं अपना? बस 8 साल से। अच्छा, तो इस बार पहले का कंपैरिजन इस बार तो आपका बहुत कम कमाई होता है, चलता नहीं होगा उतना? बहुत कम है एकदम जी। समझ लीजिए कि हम लोग का कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में नुकसान, जैसे कल नुकसान हो गया तो बिजनेस में नुकसान भी हो रहा है करीब करीब। बिल्कुल नुकसान तो होता ही होगा। हाँ, महीना में मान के चलिए 20 दिन नुकसान है, 10 दिन हम लोग का फायदा हो पाता है, ग्राहक यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए कि हम अंदर ना हो जाते हैं और थोड़ा ये घेरे हुए के कारण है, जो थोड़ा सा पता भी नहीं चल पाता होगा आपका दुकान तो। जी अच्छा, तो आप सरकार से क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी समस्याओं को लेकर? यही समस्याओं के मैंने हम लोग बोलना चाहते हैं कि जितना जल्दी इसका हो मैंने प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए, कम्प्लीट करके निकल जाए। मतलब हम लोग आपका, अच्छा ये काम स्पीड है, धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, तेज चल रहा है, कैसा है? काम बहुत स्लो है, बहुत स्लो। लापरवाही बरती जा रही है? हाँ, बहुत ज्यादा लापरवाही इसका काम में है। अच्छा, इसीलिए कि देखिए कोई तो बोलने वाले है नहीं। बिल्कुल, तो नहीं बोलने के कारण थोड़ा इसका काम है जो अपना मनमानी का काम कर रहा है ये लोग। मतलब कोई तो बोलेगा नहीं, जिस हिसाब से कर रहे हैं अपना कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। यही देखने के लिए काम कितना प्रगति पे हुआ है, कितना हुआ है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो। मैंने इतना स्लो काम मतलब कि नहीं, टाउन के अंदर में नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। देखिए रफ्तार आपका नेशनल हाईवे पर रफ्तार है। हाँ, वो रफ्तार पकड़ा हुआ है। हाँ, वो रफ्तार है, उसका काम है रफ्तार है, लेकिन इसका काम एकदम बहुत स्लो है। जाम रहता है सो अलग, जाम मार्केट का है, इसका पहले निकालना चाहिए। हाँ, मार्केट मेन है और फिर भी ये हाल है। हाँ हाँ, पहले इसको काम को निकालना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का टाउन का ना सवाल आ जाता है इस वजह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। अच्छा नीरज जी, बताइए क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? समस्याएं ये है कि ये लोग गड्ढा करने के पहले बोलते हैं कि हमारी एक हफ्ता 10 दिन में गड्ढा को भर के पिलर करके ऊपर कर देंगे। अच्छा, लेकिन गड्ढा महीनों हो जाता है, भराता नहीं है, खलते नहीं है। और दूसरी बात है कि सामान ये लोग रखते हैं जो पूरा बिखार करके रखते हैं, अगर जिससे हम लोग काम करने में बहुत कठिनाई है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे है कि धूल इतना होता है कि शाम तक धूल पौधे पौधे हम लोग का चेहरा तो बंदर की तरह हो जाता है, और प्लस सेहत भी खराब होने का समस्या है, और प्लस इतना रोड जाम होता है सामान फैला कर रखने के कारण काम करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अगर ये लोग चाहें तो सीजन वाइज काम करें, जैसे ये गड्ढा किए इसका काम पूरा कर लें। ये गड्ढा जो हमारे दुकान के सामने किया गया है, इस गड्ढे को इन्होंने बोला
कि हम एक हफ्ता से 10 दिन में भर देंगे। आज ये दुर्गा पूजा के पहले गड्ढा हुआ है, आज दीपावली का 2 दिन हो गया, अभी तक इस गड्ढा में ढलाई भी नहीं हुआ। आप बताइए कि इस तरह से ये लोग काम लापरवाही की तरह से करते हैं, और सामान देखिए यहाँ से वहाँ पूरा बिखार करके रखते हैं, जो जिस सामान का काम नहीं है वो भी सामान ला करके रोड पर रख के छोड़ देते हैं। अच्छा। जहाँ पे काम जिस सामान का है, अगर काम खत्म हो गया तो वहाँ सामान हटा लीजिए, हटा देना चाहिए, तो रोड भी आपका क्लियर हो जाएगा, दुकानदार लोग को काम करने में बनेगा, ग्राहक भी आप तक नहीं पहुँच रहा है। तो ग्राहक का सबसे बड़ा समस्या ये है कि ग्राहक जिसको सामान लेना होता है मोटा भारी भरकम तो आता ही नहीं है जी, उसको जहाँ सुविधा होता है दूसरी जगह ले लेता है, रोड पूरा गड्ढा गड्ढा है, कोई यहाँ से माल लेने का साधन नहीं है। हम लोगों तो काफ़ी परेशानी हो रहा, हम लोग कई बार बोले, कई बार बहस भी हुआ ठेकेदार से कि भाई तुम अपना सामान समेटो मेरा गाड़ी आएगा, लेकिन हर दिन हम कितना उनको बोले, एक दिन भी रोड पे ये लोग पानी का छिड़काव नहीं किए हैं, इतना धूल उड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन धूल पे एक दिन भी ये लोग पानी नहीं डाले हैं। अच्छा। थोड़ा सा राहत मिले, हम यही चाहेंगे कि ये लोग को काम मिला, ठीक है स्मार्ट सिटी बनेगा सबको फायदा है उससे, लेकिन ये काम को सुचारू रूप से करें और काम को तुरंत खत्म करें। नहीं मतलब काम हो रहा है ठीक है, यहाँ पे प्रगति का काम हो रहा है, सिटी हमारा आगे जाएगा, मगर बात ये कि लोगों की समस्याओं को भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना। देखिए सबसे बड़ा बात है कि सबसे व्यस्तम रोड है, इसको ध्यान में रखते हुए इनको तो पहली बात तो रोड पे इतना सामान बिखार के रखना नहीं चाहिए। नहीं अभी एक गड्ढा का ऑलरेडी आप लोगों का रास्ता आने जाने को बंद है, बहुत उसके ऊपर से पूरा सामान बिखरा, जो थोड़ा रास्ता बचा हुआ है उसमें सामान बिखरा हुआ है। अगर ये लोग काम को समेट के करें ना तो समस्या कम जाएगा और काम भी अच्छा होगा, लेकिन ये लोग थोड़ा बिखार के चल रहे हैं। हम यही कहेंगे आपके माध्यम से कि थोड़ा सा काम को सुचारू रूप से ही करें और काम को समेट के करें, और जो धूल उड़ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान, उस पर पानी डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, ये लोग पानी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। ठेकेदार को बोलते हैं तो कहते हैं कि हो जाएगा कल देंगे, लेकिन करते नहीं है। आज काम नहीं, जो सामान का वो भी सामान है कि हफ्ता 10 दिन पहले ला करके ये लोग रख देते हैं वहीं पर, बहुत आता है सामान, काम होना है 10 दिन बाद सामान पहले ला कर रख देते हैं, रोड का भी ब्लॉकेज हो जाता है, रोड भी जाम लगता है, हम लोग का भी काम करने में समस्या होती है। मतलब आप लोग की बातों को सीधे साफ तौर पे लोग अनसुना करते हैं, सुनना ही चाहते, हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है कर देंगे, लेकिन करते नहीं है, करते नहीं। हाँ बस ये मतलब ये हम लोग से ये नहीं कहते कि नहीं करेंगे जी, हाँ कर देंगे, ठीक कर देंगे सर, लेकिन कुछ करते नहीं है, हम लोग यही देखते आ रहे हैं 2 महीना से, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कार्य कैसा चल रहा है, तीव्र गति चल रहा है या मंद गति? कार्य को तो सर हम मंद गति ही बोलेंगे, क्योंकि जो गड्ढा ये हमको बोले थे कि ये सब काम मेरा एक गड्ढा को करके पिलर होने के बाद पिलर ऊपर निकालने का काम हम लोग का 10 दिन से 15 दिन का है। अच्छा। लेकिन ये काम महीनों हो गया है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ छड़ बंधा है, उसमें ढलाई तक नहीं हुआ है, मतलब काम बहुत ही स्लो चल रहा है। मतलब ये लोग से जो भी इनके ड्यूटी इंजीनियर रहते हैं उन लोग से हम बातचीत होते रहता है तो पूछते हैं कि ये कितना दिन का काम है, अब कितना दिन हटा, अभी हम जस्ट दीपावली के पहले पूछे कि गड्ढा भर जाएगा क्या, कहीं 2-3 दिन का काम है क्लियर हो जाएगा, और दीपावली में भी नहीं भरा अब तो छठ तक भराएगा कि नहीं भराएगा भगवान मालिक है, बैठे नहीं है काम करने के। हम एक ठेकेदार के आदमी से पूछे तुम काम ये डिले क्यों कर रहा है भाई, तो कह रहा है इसमें कुछ मेरा सामान जो है वो मेरे पास कम है, दूसरे साइड से आएगा तब होगा, हमके सामान कब आएगा, तो बोलता है कि सामान आने में थोड़ा सा भी समय है। ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? जैसे मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी, बोलिए। नहीं होना चाहिए ऐसा, सोच के काम करना चाहिए, ठीक है ना। सामान के अरेंजमेंट पूरी करती नहीं है, गड्ढे खोद देते हैं, जिसके वजह से सारी परेशानी बड़ी रहती है, जो गड्ढा खोदने के बाद पाइलिंग का काम इनका 3 दिन में होना चाहिए, महीनों में नहीं पूरा हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हम सारे व्यापारी परेशान हैं, हम लोग का पूरा धंधा चौपट बंद के बराबर है, सुबह आते हैं शाम खाली हाथ जाते हैं, स्टाफ का को चलाना है, हम लोग को अपना घर चलाना है, ये हालात कर चुके हैं ये लोग कि हम लोग का व्यापार बिल्कुल जीरो पे हो रखा है। धन्यवाद। हाँ तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे तमाम लोग जो एक छोटे से ठेला लगाकर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो दुकान थे वहाँ पे तो दुकानदार है, यहाँ पे हमने उनसे बात की और जाना कैसे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं उनको, यहाँ पे धूल जो सबसे बड़ा डस्टिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, धूल इतना उड़ रहा है कि उनको बहुत दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से, और ये अगर बोल भी पाते सामान पूरा पसरा हुआ है, एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, ग्राहक इनकी दुकान तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत रास्ता बचता है उस पर भी अपना सामान फैला कर रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर अच्छा ही काम हो रहा है ठीक है, प्रगति हो रहा है इस शहर का, मगर बात यह है कि आप लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखिए, जिसकी वजह से उन्हें भी समस्याएं ना हो, उन्हें भी तकलीफ ना हो, कि कार्य बहुत ही धीमा गति से हो रहा है, बिल्कुल भी रफ्तार नहीं है, बहुत ही मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये लोग बोलते भी सामान हटा लीजिए, बट उन लोगों का कोई ध्यान नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारा यही कहना है कार्य को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अब स्थानीय जो लोग हैं दुकानदार हैं उनको सुविधा मिल सके,
तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन साक्षी के साथ मैं निशा भट्ट 24/7।